अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्यू टीवी। मैं हूं सैयद मुस्तबिर अली जंजानी और आज के दिन जो लोग अपनी सालगिरह मना रहे हैं मेरी जानिब से, एक्यू टीवी की पूरी टीम की जानिब से और जंजानी टीवी की पूरी टीम की जानिब से आप लोगों को आपकी सालगिरह का दिन बहुत मुबारक हो। आप लोगों की सालगिरह का दिन और आप लोग अगर तोहफा मंगवाना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग सिंपली मुझे एक मैसेज कीजिएगा आज के दिन का, अपनी सालगिरह का और अपना एड्रेस, तो आपका तोहफा आप तक मैं भेजवा दूंगा। आप लोग जानना चाहते हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा, आपके हालात कैसे रहेंगे हफ्तावार, महीनावार और रोज़, इसके साथ साथ क्या बनने जा रही हैं आसमानी कौंसिल के ऊपर नजरात और क्या कर सकते हैं आप उनमें कुरानी अमाल, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जंजानी टीवी का लिंक है, उसको ओपन करके आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आइए देखते हैं कि आज के दिन पैदा होने वाले जो लोग हैं आप लोगों की ज़ात में कौन सी ऐसी चीज़ें छुपी हैं जिसका आपको भी इल्म नहीं। 7 जुलाई के दिन पैदा होने वाले जो लोग हैं, बेसिकली आप लोगों की जो ज़ात है, आप लोग ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर मुस्बत पहलू उजागर करना चाहते हैं, आप लोग बेसिकली ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर तख्लीक को बढ़ाना चाहते हैं। आपके अंदर छुपा हुआ फ़न, छुपी हुई चीज़ें, छुपा हुआ ख़जाना तख्लीक की सूरत में बाहर उमड़ आता है। आप लोग ना चाहते हुए भी दूसरों की नेगेटिविटीज़ एब्जॉर्ब करते हैं और उनको किसी न किसी तौर के ऊपर अच्छा फल फराहम करते हैं। बेसिकली आप लोग एक उसी तरह एक फॉर्म की हैसियत रखते हैं जो किसी भी जगह के ऊपर जमे हुए पानी को एब्जॉर्ब करने की हैसियत रखता है। आप लोगों के अंदर से उनकी नेगेटिविटीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको एक साइड के ऊपर रख के अपनी पॉजिटिविटी आप उनके अंदर इंडल्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग आपकी ज़ात के साथ जब भी वाबस्ता होते हैं उनमें या तो रूहानियत, मज़हब, अच्छाई, दूसरों की भलाई करने का जज्बा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तौर के ऊपर निखरने लगती हैं। आप लोग हमेशा एक पॉजिटिव फेस ऑफ लाइफ देखना पसंद करते हैं, चाहे नेगेटिव लोग भी आपसे आके मिले, चाहे आपकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव, नेगेटिविटीज़ आएँ, प्रॉब्लम्स आएँ, मसाइल आएँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंटली आपकी जो चीज़ है वो ये है कि आप लोग कभी भी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारते। आप लोग हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो जाएं, आपकी फाइनेंशियली पोजीशन कितनी ही ख़राब क्यों ना हो जाए, आप फिर भी हमेशा ज़िंदगी की अच्छाई और पॉजिटिविटी और अल्लाह के ऊपर तवक्कल बरकरार रखते हैं कि चीज़ें किसी न किसी दौर के ऊपर सहल और अच्छी हो जाएंगी। बेसिकली आप लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ अपने तजर्बात से हासिल करते हैं, आप दूसरों से सीखना उतना पसंद नहीं करते जितना ख़ुद ज़िंदगी की तलखियों को जांचते परखते हुए फिर हालात का मुकाबला करने के बाद आप लोग ज़िंदगी से सबक सीखते हैं और इन चीज़ों को आप लोग अगले आने वाले लोगों में, अपनी नस्लों में ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। आप लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी किसी न किसी तौर के ऊपर फ़न, मौसीकी, आर्ट्स, तख्लीक और किसी भी तौर के ऊपर मीडिया से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आप लोग ज़्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्म करते हैं। और जब बात आती है मोहब्बत की तो बेसिकली आप केयरिंग भी हैं, लविंग भी हैं और आप लोग अपनी ज़ात से जुड़ी हुई हर फ़र्द से मोहब्बत करने की वजह से चीज़ें अपनी उस फ़र्द के लिए जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं बेसिकली उसके लिए आप ज़िंदगी में अपनी हर चीज़ को सेक्रीफाइस भी करने का बेहतर अंदाज में एक हिम्मत हौसला रखते हैं। मेरी आज की वीडियो से उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी ज़ात के बारे में बहुत कुछ जाना होगा और अपने आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद कुछ चीज़ें नोट की होंगी। दुआ है कि आप लोगों का ये सालगिरह का दिन आपकी आने वाली ज़िंदगी में खुशियों का दिन साबित हो और आने वाली तमाम तरह आपकी नेक व जायज़ और शरई तौर के ऊपर जायज़ हाजात पूरी हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।